चौकीदार चोर हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, जब से ये खबर आई है कि भारतीय पत्रकारों का फोन टैप किया गया है, फोन को हैक किया गया है, तब से ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है पेगासस नाम की, जो कि इजरायली सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारतीय पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा विपक्ष के नेताओं के भी नाम आए हैं। और द वायर की एक खबर के अनुसार 300 नंबर की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें राहुल गांधी के 2 नंबर शामिल हैं। राहुल गांधी के 2 पर्सनल नंबर के अलावा उनके स्टाफ का भी नंबर लीक हुए हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि जो स्पाइवेयर कंपनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना स्पाइवेयर सरकार को ही देती है, तो फिर 40 से अधिक पत्रकारों का फोन क्यों टैप किया गया, क्यों हैक किया गया? हमारे जो भी पत्रकार हैं वो किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ समय बिता रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें सरकार किस बिहा पे जानने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से इलीगल है। साइबर लॉ के अकॉर्डिंग किसी के भी फोन को ट्रैक करना, हैक करना गैर कानूनी है, क्राइम है इंडिया के अंदर। आपको बता दें कि आप पार्टी के प्रवक्ता रघु चड्ढा के कुछ सवाल है सरकार से। सवाल ये है कि अपने मंत्रिमंडल की महिला मंत्रियों की जासूसी करके, अपने मंत्रिमंडल की आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों की जासूसी करके क्या अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे? विपक्ष नेताओं और इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करके क्या ये अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे? आपको राष्ट्र सुरक्षा के लिए चुना गया था और आपने इस देश को जासूसी का अड्डा बना दिया है। अरे, हमने जिसे चौकीदार समझा था कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, वही हमारी जासूसी कर रहा है। हमने कहा था कि डिजिटल इंडिया लाया जाएगा, क्या यही डिजिटल इंडिया का असली लक्ष्य था कि डिजिटल इंडिया के कंधों पर सवार होकर भारतीय देश को सर्विलेंस इंडिया बना दो? दोस्तों, आज कुछ पॉलिटिशियन लीडर्स, कुछ मीडिया के फोन टैप किया गया, या फिर आप यूं कह लें तो हैक किया गया है। कल को आपकी, हमारी, पूरी आम जनता का फोन हैक किया जा सकता है। फिर आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, किसको क्या ईमेल कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें, आपकी जितनी भी निजी जानकारियां हैं वो लीक हो सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, सरकार का ऐसा करना क्या ये उचित बात है? और आप पार्टी के प्रवक्ता रघु चड्ढा ने जो सवाल किए हैं सरकार से, क्या आप उनके सवालों से सहमत हैं? अगर सहमत है तो आप कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी मेंशन जरूर करें। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मैदानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को पूरे भारत देश में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये बात मालूम पड़े। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।